केरल में बहनों के साथ क्या हो रहा है वो सभी जानते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम बख्शेंगे किसी को भी नहीं। हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और है। आंखें खुल जाएंगी कि इस तरीके की चीजें होती है जब लोग उस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, भाईचारा होना चाहिए, तो ये उनके लिए आंखें खोलने के लिए ये मूवी है। गला फुसलाकर जिस तरह जिहादी ले जाते हैं बरगलाकर और उनके साथ जिहाद किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे धर्म को, हमारी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर के विवाद भी है और उसको लेकर के बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके की चर्चा है। चाहते हैं कि अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम बख्शेंगे किसी को भी नहीं। लड़कियां इस फिल्म को देखेगी ना तो उनके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा कि अब्दुल अच्छा नहीं है, कबूल है। किसी राज्य में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, कहीं टैक्स फ्री कर दिया गया है, कल भी पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन करा गया है। नाउ दे डिफेम द केरला आल्सो, केरला पीपल आल्सो, केरला स्टेट आल्सो, then they will dip, every day they are defaming their narrative to defend the Bengal also। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो हमारे फिरोजाबाद में इस फिल्म को लेकर के अलग तरह की हलचल है, लोगों में अलग तरीके का उत्साह है और इस फिल्म को फिरोजाबाद में महिलाओं के लिए फ्री दिखाया जा रहा है। टैक्स फ्री नहीं है, ये फिल्म की टिकट फ्री है, पूरी की पूरी फिल्म जो है वो फ्री कर दी गई है। यहाँ पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि जो ये हिंदू जागरण मंच की ओर से ये कार्यक्रम है और हिंदू जागरण मंच की तरफ से आज का ये जो फिल्म का शो है ये 15 महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो आप यहाँ हमारे साथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की भीड़ है और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है आई हुई हैं ये फिल्म देखने के लिए और हिंदू जागरण मंच जो है वो इस फिल्म को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनके विचार जानते हैं, हम उनके विचार जानते हैं कि क्या विचार हैं उनके। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश यादव है। जी दुर्गेश जी, ये फिल्म देखना क्यों जरूरी है लोगों के लिए और आप यहाँ क्यों आए? हम भी देखना चाहते हैं और हम सबसे संदेश देना चाहते हैं कि ये उन्हें हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारी बच्चियों को जो गुमराह किया जा रहा है नवजात में, इसमें उसमें, उन बच्चियों के समझ में आए कि हम किस राह पे किसी पे अंधविश्वास करके निकलना चाहें। तो ये फिल्म बहुत अच्छा संदेश दे रही है कि ये फिल्म हजारे लोगों को मेरा नाम अंशिका किशोर अंशिका किशोर अंशिका जी अंशिका जी क्या लगता है आपको इस फिल्म को देखना क्यों जरूरी है? मेरे हिसाब से तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को, मतलब एक हमारा आंखें खुल जाएंगी कि इस तरीके की चीज़ें होती है जब लोग उस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, भाईचारा होना चाहिए, तो ये उनके लिए आंखें खोलने के लिए ये मूवी है ताकि उन लोग को ये पता चले कि हमारे जो हिंदू लड़के हैं उनको किस तरीके से गुमराह करके मुस्लिम, आई मीन जो इस्लाम लोग होते हैं वो कर रहे हैं, मतलब इस हद तक गिर जाते हैं कि जो लड़के होते हैं उनको पैसे तक देते हैं लड़के को फंसाने के लिए। तो ये चीज़ होती है कि लड़कियां किसी गलत संगत में ना चली जाए, तो उस चीज़ के लिए ये मूवी देखना मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। जी और कुछ लोगों से हम बात करें। अब भारत जी, आप ये जो आज के आपने ये दिखा रहे हैं, मूवी दिखा रहे हैं लोगों को, तो लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो आज इस फिल्म को आपके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देख रही हैं? अभी जो पहला शो है इस हॉल के अंदर करीब 190 सीटें हैं, ये स्टेज पूरा फुल जा रहा है। जी इसके बाद अगर जो बहनें बचेंगी वो शाम को जो 6 बजे वाला शो रहेगा ना उसमें हमने को बाकी को शिफ्ट करेंगे। क्या उद्देश्य इस फिल्म को दिखाने का? ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारी बहनें जो अभी तक सेक्युलरता में उन्होंने कुछ जानकारी नहीं है, हर बार एक नई घटना रहती है, फलाने जितनी बुद्धि चली गई, फलाने महल पर लड़की चली गई, फिर समाज की चली गई, समाज की चली गई। तो हम चाहते हैं जब बहनें देखेंगी ना तो साथ में अपने विद्यालय की सहेलियों को, अपनी जो मिलने वाली होगी रिश्तेदारों को ये चीज़ें बताएंगी कि हाँ कि जब यहाँ से चले तो जाते तो बाद में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया।
और अंदर आपको दिखाएं, ये भारत सिनेमा में हम हैं। भारत सिनेमा में जो महिलाएं हैं, बहन जी क्या नाम है आप? मेरा नाम मधुरमा वशिष्ठ, मैं हिंदू जागरण मंच से। जी वशिष्ठ जी, क्या लगता है आपको इस फिल्म को देखना क्यों ज़रूरी है? इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आजकल जो हमारे धन की बेटियों को किस तरह से फंसाया जा रहा है, मुस्लिम समाज की धर्मी को किस तरह से छोटी छोटी बातें में से भी पॉइंट निकाल करके हमारी बेटियों को फंसाते हैं। इसीलिए हिंदू जागरण मंच एक अभियान चलाया है कि हम शहर से लड़कियों को निःशुल्क लेकर के आए हैं और देखने के लिए कि बच्चियाँ समझे कि उनको कैसे फंसाया जा सकता। तो ये जो भारत सिनेमा है, ये सिनेमा कैफे है और अंदर ऑडिटू है, ऑडिटू में ये फिल्म चल रही है और यहाँ बस थोड़ी देर में शो शुरू होने वाला है और जैसे ही शो शुरू होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो लोग हिंदू जागरण मंच की ओर से जो फिल्म दिखाई जा रही है उसको कितने लोग देख रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है महिलाओं की शो हाउसफुल होने की कगार पे है और यहाँ लगभग सारी सीटें जो हैं वो फुल हो रही हैं और जो बाकी लोग हैं जहाँ तक देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं जी यहाँ पर लाइट थोड़ी कम हो सकती है आपके लिए, लेकिन जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से जो यहाँ सीटें हैं ना उसमें बैठी हुई हैं और सीटें पूरी फुल हैं। तो शो जो है वो हाउसफुल पहला शो जा रहा है, ये इसका पहला शो है, पहला शो ही हाउसफुल दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ नारे भी लगाए जा रहे हैं, जय जय श्री राम के। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी आप यहाँ क्यों हैं? मूवी देखने। क्या मूवी है? अब मुझे तो पता नहीं है, फिलहाल अभी दीदी के साथ आए हूँ। अच्छा, तो आप किस साथ आए हैं? दीदी के साथ आए हैं, पूजा के। अच्छा, तो क्यों आए हैं? मूवी देखने। कौन सी मूवी? चलिए जी, कौन सी मूवी देख रहे हैं? द केरल स्टोरी। जी क्यों देख रहे हैं? इस पिक्चर में जो केरल में है ना रियल दो लड़कियों के साथ हुआ है वो दर्शाया गया है, उसकी वजह से लड़कियां है ना आगे अलर्ट रहेंगी। हम भी देखना चाहते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। आप तो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ में बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं मूवी। कुछ लोग क्यों आए हैं वो बता रहे हैं, कुछ लोग आपसे पूछते हैं। मैम क्या नाम है आपका? नहीं सर। नहीं सॉरी, इधर नो कमेंट वाले आ रहे हैं। आई, 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 आई। तो ये धीरे धीरे करके ये जो हॉल है ये भर जाएगा अभी और जहाँ तक हम समझते हैं कि और की देर जो एक पहल की गई है हिंदू जागरण मंच की तरफ से कि फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को फिल्म दिखा रहे हैं, तो जो इनकी पहल है वो पूरी लगभग हो ही गई है क्योंकि शो हाउसफुल होने का मतलब यह है कि जो उन्होंने कोशिश की है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। एक कार्यक्रम केला फिल्म है ना, उसको हकीकत दिखाया गया है, हमारे सनातन धर्म को कैसे प्रहार किया जा रहा है हमारे सनातन धर्म पे, उसको लेकर हम हिंदू कितना ज़्यादा देखे वही हमारे लिए लाभदायक रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सबक सीखना चाहिए कि ये फिल्म ज़्यादा संख्या में देखें और इस पर अमल करें। भारत माता की जय। मेरा नाम एडवोकेट अजली सिंह है और मैं हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी प्रांत महिला प्रमुख हूँ और यहाँ आज हम अपनी बहनों को बेटियों को हमारे संगठन में या हमारे समाज में जिस तरह की जो घटनाएं लव जिहाद को लेकर घटती आई हैं और ये कोई आज का खेल नहीं है, ये बहुत पुराना खेल है, बहुत समय से चल रहा है, हमारे समाज में बहुत विकृति पैदा की है इस खेल ने और हमारी मासूम बेटियों को बहला फुसलाकर जिस तरह जिहादी ले जाते हैं बरगलाकर और उनके साथ जिहाद किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उनके साथ बहुत सारे दुष्कर्म अनाचार किए जा रहे हैं, तो उसको स्पष्ट करते हुए ये जो पिक्चर जिस तरह बनाई गई है और इसको देखना हमारे समाज की बेटियों को बहनों को परिवारों को बहुत आवश्यक है क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसे हमारे समाज की जो मासूम बेटियां स्कूल के नाम पर बाजार के नाम पर कहीं घर से निकलती हैं तो उनके साथ किस तरह के अनाचार हो रहे हैं और हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश देती है ये पिक्चर उन लोगों को और बहुत सबक मिलेगा बेटियों को।
क्योंकि इस तरह की अगर घटनाएं जिस होती रही निरंतर तो हमारा तो समाज पूरी तरह बिखर जाएगा, विकृत हो जाएगा। मेरा नाम उर्वशी वर्मा है, मैं वीरांगना वाहिनी हिंदू जागरण मंच की ब्रज प्रांत की महिला प्रकोष्ठ में सर महिला प्रमुख हूँ और आज हम लोग यहाँ पर भारत टॉकीज में सभी बहनों को फिल्म दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो चल रही है द केरला स्टोरी। तो क्या उद्देश्य है, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म देखने से महिलाओं को क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म? देखिए, आप जैसे हम सभी जानते हैं कि महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार किया जाता है और केरल की जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को या हम लोगों को या अन्य लोगों को नहीं पता हो केरल में बहनों के साथ क्या हो रहा है, वो सभी जानते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं बारीकियाँ, जिस तरीके से लड़कियों को आजकल बहनों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, संगठनों से जुड़े हैं तो हमें जानकारी है। जो बहनें बिल्कुल इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, संगठनों से नहीं जुड़ी हैं, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण से ये हादसे होते हैं। लड़कियाँ अन्य पुरुषों के मुसलमानों के उनके बहकावे में आकर उनके साथ चली जाती हैं और उनके साथ कितना बुरा अत्याचार होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है और केरल से जाके कहाँ वह आतंकवादी संगठनों में जाके उनको रहना पड़ता है और कितने आदमी उनके संग एक एक लड़की के संग कितना अत्याचार करते हैं, उसकी बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर प्रस्तुति दिखाई गई है फिल्म में। इसलिए हम चाहते थे कि हमारा संगठन सभी बहनों को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बहनों को हम यहाँ पर अपनी तरफ से हिंदू जागरण मंच अपनी तरफ से ये निःशुल्क सभी बहनों को यह फिल्म दिखा सके, जिससे लड़कियाँ समझ सकें कि उनको अन्य पुरुषों से किस तरीके से सावधान रहना है।